बात करेंगे। तो देखिए ये ये इतने मैं बदतमीज ये हैं और कह नौबत रहे का हैं कि मतलब एक अभी मैंने आदमी एक कहा औरत का कि जो यह है है और कुछ क्या ना, ये बताएं। तुम्हारा करमचंद जो साला चूतिया कहीं का सुअर, मैं उसको तुमको ही बोल रहा हूँ, सुन लो चूतिया कहीं का है। तुम साले दो ठो माइक लगा के बोलते हो बहुत बड़ी बड़ी बात, अकरे साला तुमको इतना नहीं सरतमीज है कि औरत को रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं? तुम लोग को हाथ जोड़ के मैं समझाया था ये लड़ाई खत्म कर दो। अब आप ही लोग बताइए इसको कितना तमीज है, इसको कितना तमीज है बताइए। एक औरत को छिहत्री बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, सरेआम सोशल मीडिया पे आकर के किसी को गाली दे रहा है। इस लड़के को कितना तमीज है भैया बाबू, तू तमीज के बात करते हैं, कहे तो खुदे ना तमीज है बताओ। अरे जिके समझाओ बा बुझाओ बा, तू सही शब्द में समझावा केहू के छिहत्तरी बहत्तरी और काव काव बोले ले सुवरिया बोले ले, कौन जरूरत बा है, कौनो जरूरत ना ही है। और इतना गंदा गंदा गाली देते हैं अपन मुँह काहे के गंदा करते हैं, केहू समझाओगे तो तमीज पहले खुद अपने अंदर होके चाहिए, फिर केहू से तमीज के रिस्पेक्ट करे चाहिए। ठीक है, पहले अपने तमीज से बोलना सीखो, तो सरेआम सोशल मीडिया पे आकर के किसी को गाली दे रहे हो और तो तमीज के रिस्पेक्ट कर रहे हो कि मुझे मतलब किसी को जो है तमीज नहीं है, रिस्पेक्ट दे नहीं देते हैं औरत को। तुम कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो किसी औरत को, हाँ औरत या आदमी को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो ये बताओ। गोरखप्रिया भौजी को अगर माँ मानते हो हाँ, तो भी तो एक औरत है चंदा भाभी भी, क्या है कितने गंदे से मतलब कितने और गंदे तब से मैं जो घेर काला पी चिट्ठा तुम्हारा खोलूंगा तो देख तुम लो साले करमचंद का मुंह नहीं दिखा पाओगे। सुगर के उलाते हैं क्या सुगर? बताओ ये ऐसे समझ में ऐसे नहीं आ रहा बात। है तुमको? एक छछुनरी को तुम सर पर बैठा के रखेगा रे? हाँ, सुअरी को तुम सर पर बैठा के रखेगा? अब सुअरी को सुअरी को देखिए सब क्या इतना तुम्हारा ट्रोल है? किया जा रहा चंदा भाभी को, हाँ, इतना ट्रोल किया तुम्हारी जा माँ रहा क्या है कि मजाक मतलब कर वो रही थी भी तब मतलब बाहर से अपने तुम आप को सर पर खत्म ही बैठा कर के ले। रही छछुनरी? बताओ हाँ, अबे तुम मर्द है कि नहीं भाड़वा बे? हाँ, सुन रहे होंगे, और सुन गंधौरी कहीं के, तुम्हारा काला चिट्ठा खोलते हैं तो सुनी लो तू, ठीक है ना? और हमार बात गलत रही ठीक है तो सुअरवा के कपारे पे हाथ धर के कसम खा के तू वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से तू प्रूफ दिया पब्लिक के कि हम सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि मतलब एक औरत को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही औरतों को ट्रोल किया जाता है। मालती क्यों गई है इस दुनिया से, अगर उसका आत्महत्या ही हुआ है तो उसको मतलब सोसाइटी के अंदर आड़ में, सोसाइटी के आड़ में ही उसको मार दिया गया है कि वो अपने आप को खत्म कर ली है। और अगर यही चीज गोरखप्रिया भौजी के साथ होता है, चंदा भाभी के साथ होता है, तो क्या क्या किया जाए। ऐसे ही लोग पड़े हैं। चलो आप गोरखप्रिया भौजी का सपोर्ट कर रहे हो, गोरखप्रिया भौजी का सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन चंदा भाभी को इतना ट्रोल मत कीजिए। औरत का जो आप बोल रहे हो, औरत का इज्जत करने नहीं आता है, रिस्पेक्ट करने नहीं आता, तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर भी वही है, आप भी तो नहीं कर रहे हो किसी औरत का जो है रिस्पेक्ट। चंदा भाभी भी एक औरत है, उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कितने बदतमीजी से गाली दे करके छछुनरी फोरी क्या क्या बोल के बताओ वीडियो बना रहे हो, शोभा दे रहा है एक औरत के ऊपर। अगर वो और बहुत बहुत चीजें बोले हो उस वीडियो में, बहुत बोले हो कि वो आर्केस्ट्रा वाली है, वो भाग के शादी की है, वो उसकी दूसरी शादी है चंदा भाभी का वो दूसरी शादी है, और पैसे के लिए मतलब यहाँ होटल में रात बिताई है, वहां रात बिताई, ये की है, किसके साथ क्या था और क्या है, ये सब गलत बोल रहे हो बाबू। किसी के पर्सनल जिंदगी में नहीं घुसते चंदा भाभी, ना तो गोरखप्रिया भौजी के पर्सनल जिंदगी में घुसी है, ना तो आपके पर्सनल जिंदगी में है, किसी के भी पर्सनल जिंदगी की बात वो नहीं कर रही है। तो भाई आपको हक किसने दे दिया उनकी पर्सनल जिंदगी की बात करना, अगर उनकी पर्सनल जिंदगी की बात कर रहे हो आप चंदा भाभी का, तो गोरखपुरिया भाभी भी वही की हैं, वो भी भाग के शादी की हैं। तो भैया अगर एक को धोड़ोगे
एक की जो है इज्जत एक औरत का उधेड़ो गई यूट्यूब पर आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के, उसके साथ साथ में कितनी औरतों का इंसल्ट होगा, कितनी औरतों का इज्जत उछलेगा, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप तो उधेड़ रहे हो जो है चंदा भाभी का, चलो वो भी उधेड़ेंगी अगर आपके बारे में जानती होंगी तो वो भी उधेड़ेंगी, नहीं तो फिर जिसको माँ मानते हो गौरवप्रिया भौजी को, वो उनका उधेड़ेंगे, क्योंकि चंदा भाभी कह रही हैं कि जो है ये सब गौरवप्रिया भाभी ही करवा रही हैं। लेकिन देखिए चंदा भाभी वो गौरवप्रिया भाभी करवा नहीं रही हैं, लेकिन उनको मना करना चाहिए ये सब वीडियो मत बनाओ। और ये जो है गौरवप्रिया भौजी का भी हाल देख रहे हैं, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, उन पे बहुत दया आ रहा है, तो अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।